बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूं मिथुन राशि वालों के लिए जुलाई का महीना आखिर कैसा रहेगा। आपके सामने में जो कुंडली दिखाई दे रही है अभी बनी हुई है, वो मिथुन राशि वालों के लिए जुलाई महीने का है कि जुलाई के महीने में कौन सा ग्रह किस राशि में, कुंडली के किस भाव में, कहां पर में कौन सी तारीख तक रहेगा, वो सामने कुंडली में बनी हुई है। एक बार मैं आपको अवगत करवा देता हूं। जैसे कुंडली के प्रथम भाव में सूर्य और शुक्र देवता विराजमान हैं और कुंडली के द्वितीय भाव में सूर्य 16 तारीख को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, शुक्र 7 जुलाई को और बुध वहां पर में रहेंगे। फिर तीसरे भाव में जो है बुध देवता आ जाएंगे सिंह राशि में 19 जुलाई को, चौथे में केतु है, पंचम छठे सप्तम अष्टम में कोई नहीं, एकादश में शनि, द्वादश राहु ये एकादश राशि यानी कि नवम भाव में शनि, दशम भाव में द्वादश राशि में राहु और एकादश भाव और प्रथम राशि में मंगल। फिर 12 जुलाई को मंगल कुंडली के 12वें भाव में द्वितीय राशि में वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और गुरु वृषभ राशि में यानी कि कुंडली के 12वें भाव में ही पूरे महीने वहीं पर में रहेंगे। इन सब का आखिर क्या प्रभाव होने वाला है आपके ऊपर में, आपके लिए ये कितना बढ़िया या कितना खराब रहेगा, इन सभी विषयों पर मैं आज के इस वीडियो में हमारी जो है सो चर्चा होने जा रही है। तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वाणी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्भागनी हुकुम कैमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यंग राधे राधे राम राम नारायण नारायण नारायण। देवी और सज्जनों, चर्चा सबसे पहले सूर्य से ही आरंभ करेंगे। सूर्य आपके कुंडली के प्रथम भाव में मिथुन राशि में विराजमान है और मिथुन राशि में सूर्य के विराजमान होने के कारण कब तक है, तो सूर्य यहाँ पर में 16 जुलाई से पहले तक है। तो प्रथम भाव में होने के कारण सबसे पहले सूर्य आपको स्वाभिमानी बनाने का प्रयास करेंगे, अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए आप कुछ भी करने को तैयार रहेंगे। एक चीज़ निगेटिव है कि प्रथम भाव में मस्तक पे सूर्य है तो गुस्सा बहुत जल्दी आएगा, क्रोध पर में काबू करना अगर आप सीख लेंगे तो आपसे बड़ा बुद्धिमान कोई नहीं होगा। बात और पित्त से संबंधित किसी प्रकार का बीमारी, कोई हेल्थ वाई इशू, मिथुन राशि वालों को 16 जुलाई तक कुछ परेशान कर सकता है। मन थोड़ा सा चंचल रहेगा और कहीं घर छोड़ करके बाहर जाने का भाव जो है सो मन में आ सकता है, इच्छा उत्पन्न हो सकती है। इस समय में आपका जो चेहरा है, ललाट है, मस्तिष्क है, वो बहुत ही सुंदर बहुत ही अच्छा जो है सो दिखाई देगा। इस समय में आप एक शूरवीर व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे और आपके पास में संपत्ति तो आएगी लेकिन अस्थिर संपत्ति रहेगी, वो बहुत दिन तक बहुत देर तक रुकेगी नहीं, एवं थोड़ा सा बाल से संबंधित कुछ समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है आपके बाल वगैरह झड़ सकते हैं या कुछ और भी परेशानी हो सकती है। 16 जुलाई के बाद जब ये सूर्यदेव कुंडली के प्रथम भाव से 16 जुलाई से आ जाएंगे द्वितीय भाव में यानी कि कर्क राशि में, तो कर्क राशि में आने के कारण कुछ मुख से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, कुछ मुख के रोग आपको जरूर परेशान कर सकते हैं, लेकिन इस समय में आप संपत्तिवान कहलाएंगे, आपके पास में रुपया पैसा वगैरह जो है सो अच्छा खासा जमा हो जाएगा और आप पैसे वाले व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। भाग्य का भी अच्छा खासा साथ मिलेगा इसलिए भाग्यवान भी कहलाएंगे और लड़ाई झगड़ा भी करना पड़ सकता है। नाक और कान से संबंधित आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, कुछ हेल्थ वाइज इशू परेशान कर सकती है। वैसे द्वितीय भाव में सूर्य है तो आप अपने जीवन साथी के कारण अपने माता पिता अपने परिवार के लोगों से किसी बात को लेकर के लड़ाई झगड़ा टेंशन तनाव की स्थिति जो है सो उत्पन्न कर सकते हैं 16 जुलाई के बाद से। आपको अगर लग रहा है कि सूर्य से संबंधित कुछ विशेष परेशानी आपको परेशान करने वाली है, अगर ऐसा आपको दिख रहा है जो मैंने बताया है इसमें, अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कुछ ज़्यादा हो जाएगा, तो आप सूर्य को प्रत्येक रविवार को जल दें, आपके लिए अच्छा रहेगा। सूर्य के बाद मंगल की बात करेंगे। देवी और सज्जनों, 12 जुलाई से पहले मंगल देवता आपके कुंडली के एकादश भाव में विराजमान है और एकादश भाव में मंगल देवता के विराजमान होने के कारण आपकी भाषा जो है 12 जुलाई तक थोड़ी सी कटु थोड़ी सी कड़वी शब्द का आप प्रयोग कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको अहंकारी भी माना जा सकता है, लड़ाई झगड़ा बहुत जल्दी करने पर में आप उतारू हो सकते हैं। मेष राशि का मंगल है एकादश भाव में, गुस्सा जल्दी आ सकता है, क्रोध जल्दी आ सकता है, इसके कारण से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
लाभ जो है सो निश्चित तौर पर में आपको मिलेगा। आप एक साहसी व्यक्ति के तौर पर में जरूर जो है सो जाने जाएंगे। साहसी ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में आप किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, न्यायवान धैर्यवान व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे और आपका मन जो है सो इस जगह को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह जाने का भी कर सकता है जहाँ पर में अभी आप हो। 12 जुलाई से मंगल देवता कुंडली के द्वितीय राशि और 12वें भाव में नजर आएंगे। द्वितीय राशि और 12वें भाव में नजर आने के कारण आप एक चीज अनुभव करेंगे कि इस समय में आंख से संबंधित कुछ समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। नेत्र रोग कुछ जरूर परेशान करने की कोशिश कर सकता है। जीवन साथी के लिए थोड़ा सा समय ये विपरीत हो सकता है और आपको बता दूं कि स्वभाव आपका थोड़ा सा उग्र, कर्ज वगैरह लेने की नौबत भी आ सकती है। लड़ाई झगड़ा थोड़ा सा सावधान रहें, मूर्खतापूर्ण कोई भी काम ना करें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा और खर्चा अधिक करेंगे। गलत प्रकृति, नीच प्रकृति के लोगों से दूरी बना करके रखेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों, मंगल के बाद अब बात करेंगे बुध देवता की। बुध देवता के लिए कुंडली के द्वितीय भाव में बुध देवता है 19 जुलाई से पहले और 19 जुलाई के बाद तीसरे भाव में आ जाएंगे। तो द्वितीय भाव में बुध देवता के बैठने के कारण 19 जुलाई तक के फल को पहले समझ लें। 19 जुलाई तक बुध देवता के दूसरे भाव में यहाँ पर में रहने के कारण क्या होगा कि इस समय में आपकी भाषा बड़ी मीठी होगी, आप एक अच्छे वक्ता के तौर पर जाने जाएंगे, चेहरा बड़ा सुंदर दिखेगा एक सुखी व्यक्ति के तौर पर में और गुणवान लोग आपको मानेंगे। आपको मीठा खाना थोड़ा ज़्यादा पसंद हो सकता है, मिष्ठान भोजी आप कहला सकते हैं। जिन लोगों का कंसल्टेंसी का काम है उनका काम बढ़िया चलेगा, आप मितव्ययी कहलाएंगे, यानी कि कम खर्च करने वाला, मीठा खर्च करने वाला, संग्रही कहलाएंगे, संग्रह जो है सो ज़्यादा करेंगे इस समय में, अच्छे अच्छे काम करेंगे और साहस की कमी आपको अपने आप में जो है सो महसूस नहीं होगी। कब तक? तो 19 जुलाई से पहले। 19 जुलाई के बाद जब ये बुध देवता कुंडली के तीसरे भाव में सिंह राशि में 19 जुलाई से आ जाएंगे तो क्या होगा? तो आप अपने कार्य में एक्सपर्ट हो जाएंगे। जिस काम को आप करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस काम को आप करना चाहते हैं, उस काम में आपको खूब मन लगेगा। आप एक परिश्रमी व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। आप एक कभी कभी मन में डर भी लग सकता है। जो लोग राइटिंग करते हैं, लेखक हैं, उनके लिए वाकई में ये समय बड़ा कमाल का है। सामुद्रिक शास्त्र के आप बहुत अच्छे ज्ञाता भी हो सकते हैं। इस समय में संपादक वगैरह के लिए भी अच्छा समय है। कवि वर्ग के लोगों के लिए बहुत अच्छा है। संतान का सुख मिलेगा आपको और इस समय भोग विलास करने का अवसर प्राप्त होगा। भाइयों का सुख थोड़ा सा कम मिलेगा, स्वभाव थोड़ा सा चंचल रहेगा। बिजनेस व्यवसाय करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। यात्राशील बने रहेंगे, धर्म का पालन करेंगे, मित्र प्रेमी और सद्गुणी जो है सो बने रहेंगे। तो बड़ा सुखद और अच्छा समय आपके लिए ये दिखाई दे रहा है। बुध आपके लिए बहुत बढ़िया है। देवगुरु बृहस्पति की अगर बात करें, देवी और सज्जनों, तो देवगुरु बृहस्पति आपके कुंडली के 12वें भाव में यानी कि यहाँ पर में है और यहीं पर में ये पूरा महीना जो है सो रहने वाले हैं। तो 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति के बैठने का कारण क्या है कि इस समय में आपको आलस से ज़्यादा घेरने का प्रयास कर सकता है। मन में ये भाव होगा कि आज नहीं तो कल कर लूँगा, हो जाएगा, कर ही लूँगा, काम ही है, मेरा ही है, इस प्रकार की चीज़ें मन में आएंगी। आज करे सो कल कर वाली बात मन में आ सकती है, जो ठीक नहीं है आपके लिए। मितभाषी बनेंगे, कम बोलेंगे, बहुत कम शब्दों का प्रयोग करने का प्रयास करेंगे। एक सुखी व्यक्ति के तौर पर निश्चित तौर पर जाने जाएंगे। मितव्ययी भी कहलाएंगे और मितव्ययी का अर्थ कि कम खर्च करने वाला और सही चीज़ में आप पैसा खर्च करेंगे। योगाभ्यासी भी कहलाएंगे, योग में भी आपका ध्यान जाएगा, परोपकार करने का अवसर मिलेगा। उदार प्रकृति के व्यक्ति के तौर पर जाने जाएंगे। शास्त्र को जानने वाले शास्त्रज्ञ कहलाएंगे। संपादक वर्ग के लोग जो हैं उनके लिए ये देवगुरु बड़ा चमत्कारिक परिणाम देगा। सदाचारी, लोभी, यात्री और कुछ गलत विचार भी आपको मन में ये देवगुरु बृहस्पति दे सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति के बाद शुक्र की बात करेंगे। देवी और सज्जनों, शुक्र देवता कुंडली के प्रथम भाव में विराजमान है। कब तक? तो 7 जुलाई से पहले तक और 7 जुलाई को दूसरे भाव में विराजमान हो जाएंगे। तो प्रथम भाव में 7 जुलाई तक हैं तो क्या होगा, ये आपके जीवन पर में अगर किसी भी प्रकार का कोई संकट आने वाला है, कोई कष्ट आने वाला है, कोई बड़ी घटना होने वाली है तो आप ये मान करके चलें कि ये आपको दीर्घायु जो है सो बनाएंगे। शरीर आपका बड़ा सुंदर रहेगा, ऐश्वर्यवान कहलाएंगे, सुखी कहलाएंगे, भाषा बड़ी मीठी रहेगी। प्रवासी व्यक्ति के तौर पर में आप जाने जाएंगे, विद्वान व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। इसमें भोग विलास करने का शुक्र आपको अच्छा खासा अवसर देगा।
काम वासना भी आपको परेशान करेगी और राजप्रिय बड़े बड़े लोगों से, राजा राजा समान सेठ साहूकार ऐसे लोगों से आप बड़े निकट जो है बने रहेंगे, राजप्रिय कहलाएंगे। 7 जुलाई के बाद जब शुक्र देवता कुंडली के दूसरे भाव में यानी कि यहाँ पर में जब आ जाएंगे देवी और सज्जनों कर्क राशि में, तो क्या होगा, तो ये आपको सबसे पहले इनका फोकस रहेगा कि आपको धनवान कैसे बनाया जाए, आपको पैसा वाला कैसे बनाया जाए, तो ये आपको धनवान बनाने का प्रयास करेंगे। भोजन आपको अच्छा अच्छा करवाने की कोशिश करेंगे 7 जुलाई को, आपके यश में वृद्धि होगी, लोग आपको खूब पसंद करेंगे, इसलिए लोकप्रिय भी आप कहलाएंगे, सुखी कहलाएंगे। समय को जानने वाले, परिवार के लोगों को मानने वाले, कवि वर्ग के लोगों के लिए अच्छा समय, दीर्घजीवी कहलाएंगे, साहसी एवं भाग्य का भी अच्छा खासा साथ दिलवाने का प्रयास करेंगे। कौन, तो ये शुक्र देवता आपके लिए। शुक्र के बाद अगर शनि की बात की जाए देवी और सज्जनों, शनि देवता कुंडली के नवम भाव में कुंभ राशि में विराजमान है। कुंडली के नवम भाव में कुंभ राशि में विराजमान होने के कारण ये क्या करेंगे, आपको आयु में वृद्धि करेंगे। सबसे पहले जीवन पर में किसी प्रकार का कोई संकट आने वाला है, कोई परेशानी आने वाली है, तो उससे आपकी रक्षा करेंगे, आयु में वृद्धि करेंगे, गुस्सा थोड़ा सा ज़्यादा दिलाएंगे, चंचल वृत्ति आपकी रहेगी, शिल्पी के तौर पे जाने जाएंगे, सुखी कहलाएंगे, नीति को जानेंगे, परिश्रमी, व्यवसायी, विद्वान, संतान को लेकर के थोड़ा सा परेशानी, रोग से संबंधित थोड़ा सा परेशानी और शरीर में बल की कमी का एहसास नहीं होगा, यानी कि बड़ा सुखद और बढ़िया रिजल्ट जो है शनिदेव आपके लिए देने की कोशिश करें। राहु केतु की अगर बात करें देवी और सज्जनों, तो राहु केतु आपके कुंडली के दशम और चौथे भाव में है। राहु के दशम भाव में बैठने के कारण महर्षि कहते हैं कि आप एक आलसी प्रवृत्ति के व्यक्ति भी बन सकते हैं, राहु के दबाव में आकर के आलस्य भी ज़्यादा हो सकता है, बोलेंगे ज़्यादा, रूटीन से चलना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इस समय में कार्यकर्ता अच्छे कहलाएंगे, खर्चा कम करेंगे, संतान से किसी बात को लेकर के कलेश भी हो सकता है, थोड़ा सा उस मामले में सावधान रहें। केतु कुंडली के चौथे भाव में यहाँ पर मैं विराजमान है देवी और सज्जनों, तो चौथे भाव में केतु के विराजमान होने के कारण चंचलता ज़्यादा, बाचालता ज़्यादा, कार्य में मन ना लगना, उत्साह में कमी, बिना उपयोगी जो काम जरूरी नहीं है उस काम को ज़्यादा करना, ऐसी भावनाएं मन में जो है केतु डालने का प्रयास करेगा। तो केतु के लिए जो है आपको ज़रूरत है तो ओम केम केतवे नमः मंत्र का आप जाप कर लें बुधवार या शनिवार को, नहीं तो 5-5 बार रोज कर लें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो देवी और सज्जनों, यही छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने आपको बताने का प्रयास किया कि मिथुन राशि वालों के लिए आखिर जुलाई का महीना कैसा रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप मुझसे पर्सनली कुछ कांटेक्ट करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है सामने आपके स्क्रीन पर में, 7062757996। इस नंबर पर मैं अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ की हथेली का फोटो अवश्य भेजें, आपको सही और एक्यूरेट जानकारी निश्चित तौर पर में प्राप्त हो पाएगी। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे।